आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके, जिला गुरुग्राम। गुरुग्राम की स्थिति है हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित। इसके उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में मेवात, पूर्व में फरीदाबाद और पश्चिम में रेवाड़ी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को। गुरुग्राम का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। इसका मुख्यालय गुरुग्राम है। मंडल गुरुग्राम मंडल, उपमंडल उत्तर गुरुग्राम, दक्षिण गुरुग्राम पटौदी, और तहसील है इसकी गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी, फर्रुख नगर और सोहना। गुरुग्राम के प्राचीन उपनाम है साइबर सिटी, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सपनों की नगरी और मनोरंजन हब। गुरुग्राम को 2008 में नगर परिषद से नगर निगम बनाया गया। गुरुग्राम सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। गुरुग्राम सर्वाधिक साक्षर जिला है। गुरुग्राम में मेट्रो ट्रेन सबसे पहले 2010 में गुरुग्राम में चली। हरियाणा में सर्वाधिक राजस्व गुरुग्राम से प्राप्त होता है। गुरुग्राम सॉफ्टवेयर निर्यात में तीसरे स्थान पर है। गुरुग्राम प्रति व्यक्ति आय में देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इसमें पहला है चंडीगढ़, दूसरा मुंबई और तीसरा गुरुग्राम। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि गुरु द्रोण के शिष्यों ने इसे गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया था। गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला माता के नाम से शीतला माता मंदिर स्थित है। सन 1857 में अंग्रेजों ने अकेले पटौदी को छोड़कर सभी को गुड़गांव के डीसी के अधीन कर दिया था। इसमें मंदिर है शीतला माता मंदिर। गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी और चेचक देवी शीतला माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1650 ईस्वी में राजा जौहर सिंह ने करवाया था। आगे शीस महल। यह महल फर्रुख नगर में फौजदार खां द्वारा निर्मित है। यह बिल्कुल लाल किले की नकल है, यानी शीस महल लाल किले की तरह दिखता है। आगे सराय अलावर्दी गांव की मस्जिद। यह मस्जिद अलावर्दी गांव में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। आगे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, ये सोना में है गुरुग्राम के। आगे गोपालगिरी का किला। यह किला गुरुग्राम में बलवन द्वारा निर्मित है। सोहना का किला। सोहना 18वीं शताब्दी में सोहन सिंह नामक राजा ने बसाया था। इसका निर्माण भरतपुर के राजा ज्वार सिंह के समय में हुआ था। आगे है पटौदी महल। पटौदी के वास्तुकार हेंज ने नवाब इब्राहिम अली खां के महल का डिज़ाइन बनाया और 1953 में पटौदी महल के नाम से एक भव्य महल का निर्माण किया, जिसे गांव के लोग वाहिट पैलेस के नाम से पुकारते हैं। आगे सुल्तानपुर पक्षी विहार। इसे अब नेशनल पार्क बना दिया गया है। इसे डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है, यानी सुल्तानपुर पक्षी विहार का दूसरा नाम क्या है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। आगे सुल्तानपुर झील। यह गुरुग्राम के फर्रुख नगर में है। खलीलपुर झील, यह भी गुरुग्राम में है। दमदमा झील,
यह भी गुरुग्राम में है। सोहना यह अपने गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के झरने का गर्म पानी गंधक के कारण गर्म निकलता है। भारत का पहला तितली संरक्षण पार्क कहाँ है? सेक्टर 52 गुरुग्राम में। आगे स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना कहाँ खुला था? गुरुग्राम में। आगे मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अमिताभ बच्चन ने गुरुग्राम से की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।